नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा, आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मुझे लगा कि ये एज ए डॉक्टर पर्सपेक्टिव मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि बहुत सारी मिथ होती हैं हमारे इंडियन कल्चर में ना, उनका क्या फैक्ट है और क्या मिथ है वो मैं आपको बताती। तो आज मैं आपको टोटल 10, इस वीडियो में 10 मिथ बताऊंगी और उनके पीछे क्या फैक्ट है और वो आपको फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है? और कोई भी कमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट जो मिथ है वो है कि पोस्ट प्रेगनेंसी में जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है बच्चे को तुरंत स्नान कराना है, तुरंत बाथ दिलाना है, क्योंकि जो बच्चा है वो पूरा गंदा होता है, पूरे पूरे जो अंदर है वो गंदगी होती है और वो उस गंदगी की वजह से बच्चे को नहलाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बर्थ होता है एक बहुत ही अच्छा प्योर प्रोसेस होता है, ये गंदा प्रोसेस नहीं होता है। और जो बच्चा होता है वो माँ के अंदर एमनियोटिक फ्लूड में तैर रहा होता है और उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, वो लेयर उसको सर्दी से प्रोटेक्ट करती है, कोई भी हीट लॉस से प्रोटेक्ट करती है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चे को आप पोंछ सकते हो ताकि वो गीला नहीं हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको पैदा होते ही सबसे पहले नहलाना है, ठीक है? आप नहला सकते हो, जैसे नॉर्मल वार्म वाटर होता है अगर सर्दियाँ होती हैं तो नहला सकते हो, बट नहलाने से क्या होता है कि बच्चे में टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अवॉइड करिए बच्चे को फर्स्ट 7 डेज तक नहीं नहलाने का, अगर सर्दियाँ हैं तो, ठीक है? गर्मियाँ हैं तो 3 दिन के बाद आप नहला सकते हो, ठीक है? या फिर मेनली जो चीज़ होती है कि आपको बच्चे की आईज, माउथ और जेनिटेलिया और वो सब क्लीन रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो नहलाने से ही करें, ठीक है? सेकंड जो मिथ है कि पोस्ट डिलीवरी मदर को केवल दूध ही पीना है, ठीक है? या फिर जो लाइट, बिल्कुल लाइट दलिया जिसमें कोई वेजिटेबल्स नहीं है वो खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मदर जो होती है पोस्ट डिलीवरी 650 किलो कैलोरी जो नॉर्मल वुमन खाती है उससे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? तो आप वो कैसे मिलेगा? आप उसको अगर खाना नहीं दोगे, न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और मदर खुद भी कमज़ोर फील करेगी। ऐसे ही बर्थ के बाद में मदर कमज़ोर होती है और उसको अगर आप अच्छे से खाना नहीं दोगे तो मदर कमज़ोर। तो ऐसे ये सब मिथ है कि बस दूध ही देना है या लाइट फूड देना है क्योंकि बॉडी को हार्म करेगा, बॉडी ने एक नया जन्म लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? बल्कि उसको पूरा न्यूट्रिशन दो, सब्जी दो, सारी दाल दो, दही दो, सारा मतलब खाने में बहुत अच्छा दो। अवॉइड कर सकते हो स्पाइसी फूड जो होते हैं वो अवॉइड कर सकते हो, फैटी फूड होते हैं वो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसको पचाने में थोड़ा सा वो टाइम लगता है बॉडी अडेप्ट होने में। और बच्चे को भी कई बार स्पाइसी फूड खाने से कोलिक पेन या फिर कुछ और दिक्कत हो जाती है, बच्चा इरिटेट हो जाता है, ठीक है? थर्ड जो थिंग है कि जब बच्चा पैदा होता है अगर उसके शरीर में, बॉडी में बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है? वो बालों को कई जो कल्चर होते हैं या कई मदर्स होती हैं, ग्रैंड मदर्स होती हैं, वो उसको जो गीला आटा होता है वो उसको रब करके उससे निकालने की कोशिश करती हैं, या फिर जो हल्दी होती है उसको रब कर देती है उसके ऊपर ताकि वो जो बाल हैं वो निकल जाए। ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो बाल है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर है बच्चे की, वो आगे जाके अपने आप ही निकल जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना, ये मिथ है। ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि बाल उस जिंदगी भर शरीर में रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? फोर्थ जो है वो है कि जो आईब्रोज होती हैं बच्चे की पैदा होते ही, क्योंकि कलर नहीं होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल लाइट कलर हेयर होते हैं, तो ये मिथ है कि अगर हम आईब्रोज पे काजल से शेप बना देंगे तो उसी शेप में आईब्रोज बनेगी, ऐसा नहीं है। वो जेनेटिक होता है कि कैसी शेप बनती है आईब्रोज की, ठीक है? उससे काजल लगाने से या काला लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये भी एक मिथ है। फिफ्थ जो है वो है कि आँखों में काजल लगाने से, मैंने देखा है कि मदर मेरी क्लिनिक में इतना सारा पूरा बेचारी की बच्चे की आंखें ही कवर हो जाती हैं, इतना सारा काजल लगा के आती हैं। इसमें इसके पीछे क्या रीज़न बताती हैं कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें सुंदर होंगी आगे जाके। नहीं, ऐसा नहीं होता है,
इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि काजल लगाना हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए, क्योंकि काजल लगाने से यहाँ पे हमारी आंसू जो आते हैं उसकी ग्रंथियाँ होती है हमारे यहाँ पे, तो जो अगर आप काजल लगाओगी तो वो ब्लॉक हो जाती है आंसू आने वाली ग्रंथियाँ, और अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो आगे जाके फुंसियाँ वगैरह होने के चांसेस होते हैं, डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं तो आगे जाके बहुत काफ़ी कुछ दिक्कत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो जाता है अंदर अंदर आँख में, ठीक है। तो ये मिथ है। अगर आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो नज़र नज़र से बचाने के लिए करते, तो नज़र से बचाने के लिए यहाँ काला टीका लगा लो, आँख में ही लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो आँख में काजल लगाना एक मिथ है, आप छोटे बच्चे को आँख में काजल ना लगाएं। अगर आपको काला लगाना ही है तो काला टीका लगा सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ चीज़ है कि जब टीदिंग होती है बच्चे को तो ग्राइफ वाटर देना चाहिए, उससे टीदिंग आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है, टीदिंग जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस है और उसमें पेन होता है बच्चे को, आप कई बार होता है दस्त भी हो जाते हैं, तो अगर टीदिंग के टाइम पे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत इरिटेट होता है, तो आप नॉर्मल सिंपल एक पेन किलर दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बहुत इरिटेट हो रहा है, या फिर च्यूइंग टॉयज़ आते हैं टीदिंग के लिए, या फिर खीरा कुकुम्बर ये दे सकते हो, बट ग्राइव वाटर से टीदिंग में कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो ये भी एक मिथ है, ठीक है। सेवन्थ है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो किसी ऐसे इंसान से, बड़े इंसान से, दादा से, पापा से बच्चे को जन्म घुट्टी दिलाई जाती है। जन्म घुट्टी में गुड़ का पानी दे देते हैं लोग, हनी दे देते हैं, शुगर वाटर दे देते हैं, ठीक है। इसका मिथ क्या है कि जन्म घुट्टी देने से, जिस इंसान के हाथ जन्म घुट्टी दी जाती है, हाथ से दी जाती है, उसके गुण बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी? ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब आप खुद दिमाग लगाइए कि ऐसा पॉसिबल हो तो हर कोई ऐसे इंसान को पैसे दे के ढूंढ के लाएगा जो बहुत अमीर है या बहुत अच्छे गुण वाला है, उससे घुट्टी दिलाएगा अपने बच्चे को, और वो, क्योंकि वो भी अमीर बन जाएगा और वो भी अच्छा गुण भी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ है। इनफैक्ट अगर आप बच्चे को, 1 साल से नीचे वाले बच्चे को हनी दे दोगे तो उसको बहुत भयंकर वाला आंत वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आठवीं मिथ है कि बच्चे का जो नाभि होता है, जब बच्चा पैदा होता है नाभि होता है, तो उसके उस पर आप कुछ क्रीम लगा दो या पाउडर लगा दो तो जल्दी से गिरेगा और जल्दी से हील हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जो नाभि होती है उस पर कभी भी कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसके थ्रू बच्चे में इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है। नाइन्थ जो मिथ है वो है कि जो बच्चा होता है 9-10 महीने का तो पेरेंट्स वॉकर यूज़ करते हैं तो हेल्प करने के लिए, बच्चे को वॉक करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है, वॉकर कभी भी बच्चे को वॉक करने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है, ये मिथ है। उल्टा वॉकर में अगर आप बच्चे को कई बार अकेला छोड़ दो तो एक्सीडेंट होने के या फिर बच्चे के गिरने के, गर्दन में चोट लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए वॉकर कभी भी हेल्प नहीं करता है बच्चे को चलने में। तो अगर आप वॉकर यूज कर रहे हो तो पूरा सावधानी से करना है और सुपरविजन में ही करना है बच्चे की, ठीक है। 10वीं जो मिथ है कि जब बच्चे को टीदिंग होती है तो बच्चे को जो जब बच्चे को टीदिंग होती है तो हनी किसी डमी उसमें या फिंगर से या फिर जो पेसिफायर होता है उसको उससे लगा के हनी उसके मुंह में दे दो तो उससे टीदिंग जल्दी आ जाती है, उससे जल्दी दांत आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, 12 महीने से नीचे बच्चे को हनी कभी नहीं देना है, क्योंकि बहुत ही गंदा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर आप 12 महीने से कम के बच्चे को हनी दे दोगे तो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 10 मिथ बताई, मैं मुझे बहुत सारी और मिथ पता है, वो कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो मिथ है उसको प्लीज़ फैक्ट देखिए उसके नीचे, उसके पीछे, और कुछ तो थोड़ा दिमाग अपना यूज़ करके देखिए कि ये कैसे अप्लाई होती है, मतलब इनके पीछे फैक्ट क्या है, ठीक है। तो तभी उस पर अप्लाई करिए, तभी उसको काम में लीजिए, नहीं तो बिना आंख बंद किए हुए बेबी के केस में ये सारी मिथ फॉलो ना करें, ठीक है। तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नमस्ते।